काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। जैसे कि हमने आपको टीवी में भी बहुत सारे पहले जो सीरीज़ थे लॉकडाउन के पहले, अभी काफ़ी चेंजेस आ रही है। जी हाँ। तो अब आपको क्या चेंजेस नज़र आता है, पहले इस पर बात कर रहे हैं, ऐसे आपके लाइफ में क्या ऐसे चेंजेस आई है और फिर ये शो अभी आप कर रहे हैं तो आपके जो फैन है ऑडियंस ने ग्रैब भी किया है, आपने काफी लोग इंस्पायर होते हैं, आपका प्रोफाइल भी हमने देखा है। जी। तो हाउ यू आर फीलिंग ओवरऑल एक्सपीरियंस, हाउ यू फील? देखिए, जहाँ तक आप एक अनुभव की एक एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं तो क्या है कि हम लोग बचपन से ना घर में एक कैलेंडर लगा करते थे तो उस पर लिखा रहता था गीता सार, जिस पर लिखा रहता था कि परिवर्तन संसार का नियम है। तो वो जो एक बात है ना वो हर जगह मुझे लगता है कि है, चाहे आपका जीवन हो, मेरा जीवन हो, किसी का भी हो, तो परिवर्तन जो है रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ बदलाव होते रहें, फिर चाहे वो क्लाइमेटिकल कंडीशंस में हो, चाहे वो हमारी इंडस्ट्री में हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, हर तरीके से कहीं ना कहीं बदलाव हो रहा है। बदलाव जो होता है वो अच्छे के लिए हो रहा है, तो मैं भी खुश हूँ। करियर वाइज भी चीज़ें एक कदम आगे बढ़ी हैं, पड़ाव अगला लिया है। हालाँकि मैं शुरू से कहता हूँ कि हमारा छोटा पर्दा जो है टेलीविज़न वो कभी किसी भी तरीके से बड़े पर्दे से कम नहीं है, और अब तो पूरी दुनिया ही जो है वो 7 इंच 8 इंच का जो मोबाइल स्क्रीन है उस पर संकुचित हो गई है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे वापस से बड़े पर्दे की तरफ बढ़ने के लिए इस साल बढ़ गया हूँ, शूटिंग चालू हो गई है एंड आई फील दैट आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम वर्किंग विद सच अ नाइस टीम, अ गुड डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। सो चंदू चैम्पियन इस साल रिलीज़ होगी एंड आई एम सो थैंकफुल टू कबीर खान सर एंड साजिद नाडियाडवाला प्रोडक्शन दैट दे चोज मी फॉर दिस रोल। सॉरी, मैं साइलेंट कर देता हूँ। या सर, इतने बड़े पर्दे पे आना इस मतलब एक कभी कभी ऐसा हो जाता है थोड़ा कॉन्फिडेंस डर लगता है, या अगर मतलब एक होता है ना कोई गाइड करने वाला हो, कोई समझाने वाला हो, तो ये प्रोसेस में आपका मदद जो एक बोलते हैं ना कि हेल्प किसने किया है, क्योंकि हम आपको जिस तरीके से पहले देखते हैं और टीवी नेशनल पे जो आपका शो आ रहा है उसमें भी देखते हैं, तो काफ़ी हद तक आप अपने आप में काफ़ी कॉन्फिडेंट पर्सन हैं। लेकिन जो चंदू चैम्पियन जो आपका शो मतलब अभी जो मूवी आप करने वाले हैं तो उसमें ओवरऑल एक्सपीरियंस और गाइडेंस किस तरीके का आपको मतलब किसने दिया, सपोर्टिव किसने किया, ये बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी कलाकार के लिए ना उसका खुद का कॉन्फिडेंट होना, उसका खुद का जो हम आत्मविश्वास की बात करते हैं वो होना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे हर फील्ड में हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक एक्टर का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो जो कर रहा है वो इस वक्त, जैसे कि अभी है हमारा इंटरव्यू चल रहा है, हम लोग यहाँ आपसे बात कर रहे हैं, मेरे सामने सिर्फ एक ही कैमरा और आप हैं, लेकिन इसको देखने वाले हज़ारों लाखों लोग हैं और उन लाखों लोगों को आपको आंकना है। जैसे इस वक्त लोग मुझे शायद देख के कुछ आंक रहे होंगे, है ना, तो वो कॉन्फिडेंस जो है वो खुद से बिल्ड करना पड़ता है मुझे लगता है। और जब वो आत्मविश्वास आपको आ जाता है, मिल जाता है कि हाँ भाई मेरे कंधे पे इतना बड़ा भार है, एक डायरेक्टर ने मुझे इस किरदार के लिए चुना है, तो मैं उसके साथ जस्टिफिकेशन करूँ, मैं उस किरदार के लिए ऐसा लगूँ कि हाँ यार ये इससे अच्छा शायद कोई नहीं कर सकता था। और यही सब तमाम चीज़ें होती हैं जो एक एक्टर को और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाती हैं। बट हाँ, अच्छी स्क्रिप्ट होती है और जब अच्छा डायरेक्टर आपके पास होता है तो डायरेक्टर जिस दिशा में आपको एक दिशा दे देता है उस तरफ आप बढ़ जाते हैं। सुर अलग अलग हैं हारमोनियम पे, जो आपने एक राइट सुर पकड़ लिया उस कॉर्ड को आपने प्ले कर दिया तो आप सही जगह जाने लगते हैं, और जब आप सही जगह जाने लगते हैं आधे रास्ते में भी तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो वैसा ही मुझे लगता है कि एक एक्टर की जर्नी में भी होता है। सर, आपने जो परिवर्तन का बात की बातें बताई है, तो जैसे हम टीवी इंडस्ट्री में भी देखें, पहले टीवी से फिर बॉलीवुड, फिर सिनेमा, फिर अभी हम OTT प्लेटफॉर्म्स इतने सारे आ चुके, इतने सारे जॉनर्स, इतने कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते क्या देखें और क्या नहीं देखें। तो आपको ये चेंजेस कैसा लगता है, क्योंकि ऑन द गो आजकल लोग देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, अपना प्रीमियम करके देख रहे हैं, तो ये चीज़ आपको कैसी लगती है? क्योंकि जो टीवी एक्ट्रेस है एक तरीके से उनके लिए भी कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि डिसएडवांटेज भी हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं, और OTT आ गए तो उनके लिए काफ़ी जो एक्टर्स इन्फ्लुएंसर्स हैं वो काफ़ी वर्क कर रहे हैं उसमें, तो एक्टर्स के लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज हो जाता है कि OTT प्लेटफॉर्म से इतने लोग, इतना स्कोप, इतना सब वाइड रेंज में फैला हुआ है, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात तो यही कहूँगा कि जो आपने OTT सिनेमा और इसकी बात की है ये बहुत सारे लोग कहते होंगे और मैं अक्सर अपने इंटरव्यू में ये बात कहता हूँ कि जब मुंबई में कोई भी कलाकार आता है, कोई भी एक नया लड़का लड़की हीरो हीरोइन बनने अपने सपने लेके अपने गांव से शहर से आता है तो स से सीने में सिनेमा ही होता है, वो सब लोग बोलते हैं और बड़ी पेटेंट लाइन है कि स से सीने में सिनेमा है। तो सीने में जो सिनेमा है वो तो रहता है। अब ट से टिकने के लिए मैंने टीवी कर लिया और व से वक्त है वेब का। तो ये एक दौर मुझे लगता है कि देखा जाए तो कलाकारों के लिए बहुत ऑप्शंस बढ़ गए हैं। पहले आप सिर्फ एक टीवी तक ही सीमित थे, आपको था कि या तो टीवी करेंगे या फिर फिल्म करेंगे। अब OTT इतने सारे प्लेटफॉर्म चीज़ें आ गई। जैसे मैंने कहा कि आप ये समझिए कि पूरा जो एंटरटेनमेंट है वो सिर्फ एक मोबाइल स्क्रीन तक रह गया। आज आप देखिए इतनी सुविधा है इंटरनेट के चलते देश में, हमारे देश में, भारत में जितना 5G यूज़ होता है मुझे लगता है कहीं और नहीं होता होगा, है ना। तो चलते, कम्यूट करते, बात करते, बल्कि मैं तो कहूँगा ड्राइविंग करते भी लोग आजकल ये देखने लगते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। बट आप समझ लीजिए कि दीवानगी किस हद तक है। तो ये तो आप कह रहे हो कि डिसएडवांटेज है एक्टर्स के लिए, तो मुझे नहीं लगता। मैं तो कहूँगा कि अगर आपने अच्छी मेहनत की, अगर आप अच्छे कलाकार हैं तो आपके लिए तो और एक नए आयाम खुल गए, नए और ऑप्शन खुल गए। पहले तो आपके पास था कि सिर्फ ये दो चीज़ें करेंगे, या तो टेलीविज़न करेंगे या फिल्म करेंगे। मेरे जैसे लोग कुछ थिएटर भी करते रहे क्योंकि हमारी शुरुआत थिएटर से हुई थी। तो अब तो बहुत वास्ट है, ये एक अलग दुनिया है ना। इट्स अ बिग अम्ब्रेला ऑल टुगेदर, जहाँ पे आप मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ तो आप ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते आप उस कैरेक्टर के लिए उतने फिट हों और आप उस कैरेक्टर को, उस रोल को उतने अच्छे से निभा पाएँ, डायरेक्टर आपको पसंद करें। मुझे लगता है कि स्काई इज़ लिमिट फॉर ऑल द एक्टर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सर, कागज़ टू में भी सतीश सर से उनके साथ भी आपका मुलाकात हुआ, तो उनके साथ कैसे एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल, कैसे है वो उनका नेचर वाइज, क्योंकि आप उन्हें बहुत करीब से जानने का आपको मौका मिला है, तो जी बिल्कुल। देखिए, अब हम लोग बात तो कुछ और कर रहे थे, लेकिन जब सतीश जी की बात आई है तो वो मेरे मेंटोर रहे हैं हमेशा से, और इस पिछले साल हमने उन्हें खो दिया जो कि एक मेरे लिए बड़ी दुखद बात रही है। उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। और जब कागज़ टू की हम लोग शूटिंग कर रहे थे, बहुत समय बाद, अरसे बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी में शूट करने का मौका मिला, तो एक कैडेट के रोल में मैं और साथ में दर्शन कुमार, हम दोनों शूट कर रहे थे। और मैं सतीश जी को बार बार कह रहा था कि सर ये एक सपना होता है। फौजी का रोल बहुत लोग करते हैं, पुलिस वाले का रोल बहुत करते हैं, बट उन्हीं की एकेडमी में रियल कैडेट्स के साथ, रियल फौजी, जहाँ से रियल ऑफिसर्स हमारे देश के तैयार होते हैं, उनके बीच में आप शूट कर रहे हैं उनके साथ, और उनकी लाइफ को इतने नज़दीक से देख रहे हैं। ये तो जो लोग NDA के या CDS के एग्ज़ाम देते हैं वही लोग सिर्फ देख पाते हैं पास करने के बाद। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ऐसे मेंटोर साथ में मिले। हाँ, उनके ना होने से फिल्म थोड़ी सी डिले हो गई है रिलीज़ होने में, बट इस साल आप मेरी वो फिल्म कागज़ पार्ट 2 वो भी देख पाएंगे और चंदू चैम्पियन भी देख पाएंगे। और रही बात OTT की, तो आजकल बहुत एक अच्छा यूथ बेस्ड शोज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं टेलीविज़न पे, तो उसके लिए भी एक हमारा शो है वेटिंग फॉर समर, उसमें आप मुझे देख पाएंगे। तो ये ऑडियंस का, मेरे बड़ों का, मेरे जो मेंटोर रहे हैं उन लोगों का, अच्छे डायरेक्टर्स का प्यार, आशीर्वाद है, आप सब ऑडियंस का प्यार है कि कलाकार को मौका मिल रहा है, उसको अपनी जो कला है वो दिखाने का मौका मिल रहा है। वरना शहर इतना बड़ा है, लोगों के सपने इतने बड़े हैं, कहाँ से चीज़ें सबके लिए हो पाएंगी। एक ही हिस्सा है ना वो रोटी का, उसको थोड़ा सा आप खा लेंगे, थोड़ा सा मैं खा लूँगा, थोड़ा सा, बहुत लंबी लाइन है, तो सबको थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। हाँ, अनिरुद्ध जी, जो नए कलाकार जो आते हैं मुंबई आते हैं, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी ड्रीम्स होती है, तो उनको आप क्या ऐसा सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि कोई कहीं भी हम जाए जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है, तो कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसा मैसेज जो उन्हें आप देना चाहें तो वो अपने लाइफ में थोड़ी चीज़ को परिवर्तन, जैसे आपने वर्ड यूज़ किया, वो कर सके और उनसे पॉजिटिव चीज़ें अपनी लाइफ के लिए बेहतर और बना सके, या उनको हेल्प हो अपने जर्नी, करियर जर्नी में। मुझे लगता है पेशेंस जो है ना, एक वो एक ऐसी चीज़ है जो हर कलाकार में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप ये समझ के चलिए कि अगर वो ठहराव नहीं रहेगा ना, तो ना तो आप एक्ट कर पाएंगे, अभिनय कर पाएंगे, और ना इस शहर में टिक पाएंगे। वो दोनों चीज़ें हैं। कोई मुझे बोल दे कि इस इंसान में ठहराव नहीं रहा, अगर हम सोचें कि भाई हाँ, लोग रातों रात स्टार बनते हैं शहर में, मतलब जो कहते हैं ना कि तकदीर है साहब, मुकद्दर है। देखिए, असफलताएं असीमित हैं, चुनौतियाँ भी बहुत सारी मिलती हैं, लेकिन जब आप उनको किस तरीके से हासिल कर रहे हो ये एक बहुत बड़ी बात है। और लोग किस्मत पे छोड़ देते हैं, न्यू कमर्स जितने जो आते हैं, अरे ठीक है डेस्टिनी इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन किस्मत बदले नहीं बदले वक्त ज़रूर बदलता है। ये एक चीज़ मुझे लगता है कि अगर आप और हम सब लोग अगर गांठ बांध लें तो फिर हमको कोई नहीं रोक सकता। तो जो न्यू कमर्स आते हैं, काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप तो पिछले 10 साल से इस इंडस्ट्री में हैं, आपने हर चैनल पे लीड रोल किया, ये किया। मैंने कहा सर देखो जो पहले किया ना वो आप पीछे छोड़ दो, अब नया मैं आपके साथ कर रहा हूँ ना, इसमें से कुछ हम नया करेंगे। तो या तो किसी भी एक्टर को वो बैगेज भी नहीं रखना चाहिए और उनको भी नहीं रखना चाहिए। मैं काफ़ी कुछ ऐसे भी कुछ एक्टर्स को देखता हूँ जो अभी नए नए आए हैं और एकदम से एक स्टारी या फिर एक एरी एटीट्यूड उनका हो जाता है, तो मैं उनको वही कहता हूँ कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, लेकिन थोड़े से शांत सहज रूप से आप अगर मेहनत करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। शायद कुछ लोगों को कभी बुरा लगता होगा, जो लोग मानते हैं उसको फॉलो भी करते हैं, बाद में कहते हैं सर आपने सही कहा था, क्योंकि यहाँ टिकने के लिए ना ठहराव ज़रूरी है। आप यहीं नहीं ठहर पाओगे, जीवन में नहीं ठहर पाओगे, तो शांत रह के चीज़ें करें। बाकी तो मुकद्दर, मैंने कहा कि मुकद्दर बदले नहीं बदले, वक्त सबका बदलता है और वक्त बदलते वक्त नहीं लगता है। जी बिल्कुल। अगर आपकी पसंद की बात करूँ तो आपने इतने सारे किरदार निभाए हैं, अभी भी आप कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी हम देखेंगे, तो ऐसी कौन सी किरदार है जो आप एकदम डेस्परेट करना चाहेंगे, उनके साथ एक्सपेरिमेंट, जैसे उस चीज़ से कुछ नया निकल के आए, आप ऐसे बोलते हैं, तो कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो आपको करना है बहुत डेस्परेटली? देखिए अभी क्या है ना कि पहले जब नए नए आए थे ना मुंबई में, तब ये कहा करते थे अक्सर कि यार बेगर्स आर नॉट चूजर्स, कि जो मिल जाए वो अच्छा है, कम से कम काम मिले, स्क्रीन पे तो देखूँ कुछ, तो कैमरे के सामने तो आऊँ। लेकिन अब धीरे धीरे ना आदमी की महत्वाकांक्षाएं वो और वो भूख बढ़ने लगती है एज एन एक्टर। अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, अब क्या कुछ डिफरेंट करूँ कि लोग कहें कि यार इसने अपना लोहा मनवा दिया यार एक्टिंग में। तो मुझे लगता है कि मेरा शुरू से फेवरेट कैरेक्टर रहा है, एक पसंदीदा, कि मैं कभी जोकर का रोल प्ले करूँ। आप मानेंगे आज भी, मैं कुछ दिन पहले, तकरीबन मेरे ख्याल से पिछले महीने, मैं सर्कस देखने गया और ये नहीं था कि मुझे मेरे 3 साल के बेटे को सर्कस दिखाना है, उसके लिए वो पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन मैं भी उतना ही उत्साहित था, क्योंकि वो जो कैरेक्टर्स वहाँ होते हैं, वो जो जोकर होते हैं, वो उनसे बड़ा कोई एंटरटेनर नहीं है। और उस किरदार को, मैं तो राज कपूर साहब का भी फ़ैन हूँ, चाहे वो जोकिन फिनिक्स ने किया हो, चाहे राज कपूर साहब ने किया हो, क्लाउन से मुझे एक अलग प्यार है। हाँ, जब लोग ये कहते हैं कि यार शक्ल से तो आप बहुत विलेनियस नहीं लगते हो, मैं उतना ही ग्रे शेड का कोई कैरेक्टर या फिर उतना ही एक विलेनियस रोल भी करना चाहता हूँ। टेलीविज़न पे किया है, लेकिन बड़े पर्दे पे करना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसा एक मौका होता है जहाँ पे एक एक्टर एक यू नो अपना पूरा एक ग्राफ, अपनी एक यू नो उसका किस आर्क तक, किस लेवल से लेके कहाँ तक वो एक्ट कर सकता है, क्या उसका ग्राफ है, वो वहाँ पे वो बता दिखा सकता है। तो ये 2 कैरेक्टर ऐसे हैं जो मेरे पसंदीदा हैं और जिनको मैं कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर करूँगा। और मुझे यकीन है कि ऑडियंस को मेरे वो रोल पसंद आएंगे। बात करें भारत की इतिहास की, तो 22 जनवरी कौन नहीं जानता है अपने, मतलब अयोध्या में, बस आप डेट बोल दीजिए, हाथ जुड़ जाएंगे। हाँ। ये माहौल है तो कितना प्राउड महसूस होता है, क्योंकि प्राउड महसूस इसलिए क्योंकि हमारे जो पूर्वजों ने इतने सारे जो संघर्ष किए ये दिन लाने के लिए, और जिस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो उस चीज़ को ला रहे अपने, मतलब अपने देश में जो इनॉग्रेशन होने जा रहा है, कितना सौभाग्यशाली महसूस करते हैं अपने आप को, क्योंकि हम ये युग में ये दिन देख पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतिहास के पन्नों में ये दिन लिखा जाएगा, देखा जाएगा। और जिस तरीके से रामनवमी सेलिब्रेट होती है ना, उस तरीके से ये 22 तारीख हर बार, हर साल, मैं कहता हूँ आने वाले सालों साल तक ये दिन इसी तरीके से हर बार सेलिब्रेट होगा, क्योंकि देश में इस वक्त जिस तरीके से एक धार्मिक तौर पे, एक आस्था के तौर पे, एक विश्वास के तौर पे एक ये जो जागरूकता वापस से आई है, ये बड़ी कमाल है। और ये भी शायद कहते हैं ना वही सोई जो राम रची राखा, तो ये भी शायद निश्चित होगा कि इस साल में इस मंथ में ऐसा कुछ होगा कि सारी शक्तियाँ, आप देखिए ना, आप नीचे उतर के माहौल देखिए ज़रा, आप देखिए आपको 15 अगस्त की तरह एक एक गाड़ी पे, साइकिल पे, रिक्शा पे, बस में, कार पे, सब जगह आपको आज झंडा लहरता हुआ दिखेगा, जय श्री राम का नारा लगता दिखेगा। तो अगर लोगों में इतनी आस्था है, इतनी एक श्री राम के प्रति इतना प्यार है, तो ये एक अपने आप में किसी एक महापर्व से कम नहीं है। और मैंने सुना है कि लोग तो अब ये नारे भी लगा रहे हैं कि राम जी दूर हुई अब सारी दूरी है, और अब आप आ गए हैं तो अयोध्या अब जाके पूरी है। तो ये जो एक माहौल है, जो भजन चल रहे हैं, जिस तरीके से रामलला के स्वागत की तैयारी हो रही है, ये चीज़ें अभूतपूर्व हैं। कभी भी हमारे देश में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक भगवान के लिए इस तरीके का एक इतना बड़ा समागम हुआ हो, इतना बड़ा कुछ हुआ हो। तो ये अपने आप में एक इतिहास में हमेशा याद रखने वाली बात होगी कि 22 जनवरी को श्री राम लला का फिर से एक आगमन हुआ था और अयोध्या क्या पूरा देश फिर से जगमगाया था। और ये एक बड़े सौभाग्य की बात है कि हम इस जीवन में ये चीज़ देख पा रहे हैं। जाते जाते अपने फैंस ऑडियंस को अनिरुद्ध जी क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आपसे काफ़ी लोग इंस्पायर होते हैं काफ़ी, और हम ज़्यादा उनसे कनेक्ट कर पाते हैं जो हमारे उम्र से हम देखते आ रहे हैं, जिस तरीके का किरदार से लेके हर एक चीज़। तो क्या कहेंगे उन्हें? देखिए, मैं यही कहूँगा मेरे सभी जितने भी फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, दोस्त हैं, या फिर जो लोग अभी इस वक्त मुझे इस इंटरव्यू के माध्यम से देख रहे हैं, कि यार एक कलाकार ना बहुत मंसूबों के साथ इस शहर में आता है और उसके सपने पूरे होते हैं। जैसे कि मैंने अभी नसीब की बात कही कि नसीब बदले ना बदले, वक्त ज़रूर बदलता है। तो वो वाली बात है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए भी कुछ एक अगला पड़ाव जो है, एक ये छोटी स्क्रीन से लेके बड़े पर्दे तक का है। उसके लिए आप लोग वैसे ही मुझे प्यार दें, मुझे सपोर्ट करें, मुझे बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने मुझे जिस तरीके से अलग अलग चैनल पे जब जो कोई शोज़ आया, आपने उतना प्यार दिया, उतना प्यार आपने मेरी फ़िल्म देखकर मेरे काम को अगर सराहा, मुझे मेरी कमियां बताई, तो मुझे लगता है कि मैं इस फील्ड में, इस क्षेत्र में और बेहतर काम कर पाऊँगा। मैंने अभी तक इस तरीके की कोई रिक्वेस्ट कभी कहीं किसी इंटरव्यू में कभी किसी के आगे नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि हाई टाइम है। और सौभाग्य ना हर दिन सोता है, देखें अब आगे क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो ऑडियंस के हाथ में है, आप लोगों के हाथ में है। कलाकार जो है ना वो कभी अर्श पे है और कभी फर्श पे है, वो सिर्फ ऑडियंस की वजह से है। बाकी सिर्फ पानी का बुलबुला है बम्बई शहर में। जब तक आप चल रहे हो, बन रहे हो, आप की वो चीज़ बनी हुई है, करके एकदम से ख़त्म हो गया चीज़, बात ख़त्म हो गई। तो वो जो गुब्बारा है, चाहे वो हमारी प्रसन्नता का हो, खुशी का हो, चाहे वो एक कलाकार के जीवन का हो, वो बना रहे। उसमें रंग दिखते हैं अलग अलग, जब पानी के बुलबुले बच्चे उड़ाते हैं ना, तो वो दिखते हैं, वो चलता रहे। और वो तभी दिखेगा जब आप लोग उनको प्यार दोगे, वो साथ दोगे। वरना बड़ी बड़ी फिल्में आती हैं, बड़ी बड़ी फिल्में, अच्छी फिल्में, बुरी फिल्में, हर तरीके की आती हैं, पिट जाती हैं, कई बहुत अच्छी चल जाती हैं। तो वो सब वहाँ नसीब, तो वो वक्त भी आप लोग बदल सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार दें, और मैं हमेशा से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ और हमेशा रहूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दोस्तों। ये जो 3 रंग हैं हमारे देश के, कि बहुत 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 ज़रूरी है हमारे लिए। यही एकता है, यही एकाग्रता है, यही प्रेम है, यही विश्वास है। ये हमारा 75वां गणतंत्र दिवस है। मैं चाहता हूँ कि इसको खास आप बनाएं। हर घर तिरंगा तो लहरता है, लेकिन उन चीज़ों को आप पूरे साल अपने दिल में रखें। देश के प्रति वो मान सम्मान, वो प्यार जो है, उसको हमेशा बनाए रखें। आप सब लोगों से मैं यही एक अनुरोध करूंगा। और दूसरी बात, हमारे देश के आप सब लोग आने वाले दौर के हीरे हैं, आप लोग हीरो हैं। तो हमारे देश में जितने भी सैनिक हैं, जो लोग आप लोग देखते हैं कि परेड करते हैं 26 जनवरी को लाल किले के आगे, उन सब लोग के सम्मान में आप लोग ज़रूर अपने सोशल नेटवर्किंग पे कुछ लिखें। आपको मालूम है कितने महीनों पहले से उन सब की तैयारी होती है। आपको पूरे देश की झांकी देखने को मिलती है। वहाँ पे इंडियन नेवी होता है, आर्मी होता है, एयरफोर्स होता है, मर्चेंट नेवी होता है। तो सब लोगों को, जो फोर्स वाले हमारे लोग हैं, संविधान में सभी लोगों का एक बराबर हक है और इस सभी लोग एक साथ बढ़कर हमारे देश के लिए काम करते हैं, उन सबको हम लोग सलाम करेंगे और आप सब लोगों को इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।